बेस्ट न्यू बॉक्स पैक मोबाइल अंडर 35,000। आप ऐसे बंदे हैं कि जिनको स्पेसिफिकेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और यूज्ड मोबाइल की वीडियोस देखकर थक चुके हैं, और चाहिए तो चाहिए न्यू मोबाइल, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। जहां पर पहला फोन है जी जिसकी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट साइड के ऊपर मिलेगा, यूएसबी टाइप सी, सिंगल स्पीकर है, 1080 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड्रॉइड 12 है, और ये फोन है जी टेक्नो कैमन 19 नियो जिसकी प्राइस है जी 37,000 से 38,000। अभी यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बताने को तो मैं आपको 35,000 के अंदर भी न्यू फोन बता सकता हूं, लेकिन 2-3 हजार के पीछे मैं आपको बुरा फोन नहीं रिकमेंड करना चाहता। तो ये अगर 2-3 हजार आप ऊपर भी भर लेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह वर्थ इट होंगे। अगर सैमसंग का फोन चाहिए तो वो भी हाजिर है, स्पेसिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हैं। इसका डिस्प्ले मुझे कुछ बेटर लगा है, क्योंकि इसके अंदर आपको एमोलेड के साथ 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, उसके बाद बड़ी बैटरी है, प्रोसेसर इसका नॉर्मल यूज के लिए ठीक है, उसके बाद यूएसबी टाइप सी है, फिंगरप्रिंट साइड के ऊपर मिल जाएगा, और ये फोन है जी सैमसंग गैलेक्सी A22 और इसकी प्राइस है जी 37,000 से 38,000। नेक्स्ट फोन है जी जिसके अंदर आपको यूएसबी टाइप सी, फिंगरप्रिंट साइड के ऊपर, उसके बाद सिंगल स्पीकर है। मुझे इस बात का पता है कि जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है ना, वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, लेकिन न्यू के अंदर तो फिर यही कुछ मिलेगा। ये फोन है जी ओप्पो A57 जो कि कुछ दिन पहले ही आया है, और इसकी प्राइस है जी 36,000। तो लास्ट फोन है जी जिसकी स्पेसिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हैं, और मेरे ख्याल के अंदर ये सबसे अच्छा फोन है। इसके अंदर आपको यूएसबी टाइप सी मिलेगी, फिंगरप्रिंट साइड के ऊपर, सिंगल स्पीकर है, और ये फोन है जी इन्फिनिक्स नोट 12 G96 प्रोसेसर वाला आपको 40 से ऊपर का मिलेगा, और G88 प्रोसेसर वाला आपको 38,500 तक का मिल जाएगा। और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें।